हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मिस्त्री नॉलेज। तो दोस्तों, मिस्त्री नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जो सिंक की कटिंग की जाती है वो किस तरह से की जाती है और उसका जो शॉर्टकट तरीका है वो मैं आज आपके सामने लाया हूँ। तो वीडियो को ज़रा पूरी देखना, ऐसे स्किप मत करना। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पत्थर को जो हमारा स्लैब का साइज़ है जितना उस पर लगना है उस हिसाब से कटिंग कर लें और उसके बाद जो सिंक होती है उसको बिल्कुल सही तरीके से गुनिए में आपने सिंक के अंदर रखनी है। यदि थोड़ी बहुत एडजस्टिंग करनी हो तो आप सिंक को पहले एडजस्ट कर लें और दोस्तों आप गुनिए की सहायता से जो हमारी सिंक की चौड़ाई है उसी हिसाब से आप दीवार में एक निशान लगा लें। दोस्तों, निशान आपने इसके तीनों साइड लगानी है जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप इस चीज़ को विशेष बारीकी से ध्यान से देखना क्योंकि दोस्तों ये बहुत सरल तरीका है। यदि आप इस तरीक़ों को आजमाओगे तो आप बहुत ही आसानी से सिंक की कटिंग कर लोगे। तो दोस्तों, हम इसके निशान लगा लेते हैं और मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। यदि आप उस तरीक़ों को भी आजमाओगे तो वो भी ठीक है, पर मुझे ज़्यादा बेटर तरीका मुझे यही लगा है। मैं भी इसी तरीके से सिंक की कटिंग करता हूँ। तो हम सिंक के हमने चारों तरफ निशान लगा लिए जैसे कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका। आप इंची टेप से सिंक को बिल्कुल नाप लें कि हमारी कहां पर आकर रुक रही है। तो इसका जो लास्ट कोना है ये जहां पर भी होगा आपने इसका निशान दीवार में लगा लेना है जैसे कि आप देख रहे हैं। पर दोस्तों, इससे बेटर तरीका मुझे वो जो निशान गुनिए की सहायता से लगाते हैं ये मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा। फिर भी आपको जौन से भी अच्छा लगे वो कर लेना। तो दोस्तों, अब हम सिंक को बाहर निकाल लेते हैं और जो हमने पत्थर में कटिंग करनी है उसका निशान किस तरह से लगेगा अब इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। दोस्तों, अब हम स्लेप में पत्थर को बिछा लेते हैं। दोस्तों, अभी फ़िलहाल हमने इसे सूखा बिछाया है, अभी मसाले के साथ नहीं बिछाया है। और इसको बिछाने के बाद इसको सही तरीके से नाप छाप कर लें जहाँ पर आपने पत्थर को अटकाना है, जहाँ पत्थर आपने रोकना है। क्योंकि दोस्तों, जो अभी कटिंग हो जाएगी फिर फाइनल आपका पत्थर वहीं पे आकर रुकेगा, फिर आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले ही पत्थर को बिल्कुल सही तरीके से सेट करना है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब दोस्तों, जो हमारी सिंक है इसको हमने उल्टी रखनी है। जिस जिस तरह से हमने दीवार में निशान लगाए थे बस उसी निशान पे आपने इनके कोने मिलाने हैं। जो सामने की तरफ है वो सामने की तरफ मिलाने हैं और जो साइड की तरफ है वो साइड की तरफ मिलाने हैं। दोस्तों, आपको फिर दोबारा गुनिया उठाना पड़ेगा। यदि आपके पास गुनिया ना हो तो आप टाइल का पीस या फंटी जो भी चीज़ आप पे हो वो ले सकते हैं। अब दोस्तों देखें, हमने दीवार पर निशान लगाया था तो गुनिया बिल्कुल उसी लाइन पर हमने रखा है। और दोस्तों, इधर भी दिखाते हैं, इधर दीवार पर निशान लगा था उसके बिल्कुल लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है। और दोस्तों, इधर भी एक निशान लगाया था तो इसकी लाइन भी बिल्कुल सीधी आ रही है। तो दोस्तों, अब इसमें क्या करते हैं, इसको बिल्कुल उन्हीं निशान पर लगा के इसमें चारों तरफ हम निशान लगा लेते हैं। पेंसिल हो या जो भी चीज़ आप स्केच वगैरह हो उससे आप चारों तरफ इसमें निशान लगा लें। तो चलो देखते हैं दोस्तों, हम निशान कैसे लगा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सरल तरीका है। यदि आप इंची टेप की सहायता से भी निशान लगाते हो तो आपने पत्थर के ऊपर वही नाप दोबारा उतारना है और गुने की सहायता से निशान लगाना है। और दोस्तों, मैं आपको ये तरीका सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये मुझे बहुत ही सरल तरीका लगा है। इसमें मेरे को बिल्कुल भी 1% भी गुंजाइश जो कमी होती है वो नहीं आई है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें कटिंग होती है। और दोस्तों, एक तरीका हमारा दूसरा भी होता है, उसमें हम सिंक को पत्थर के नीचे रखते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं उसे सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यदि कल के दिन आपको सिंक हटानी पड़े तो आपको पत्थर ख़राब करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये तरीका बताऊंगा जिसमें आपकी सिंक भी बाद में अगर चेंज करनी पड़े तो आप सही तरीके से चेंज कर लोगे। तो दोस्तों, हमने निशान लगा लिए हैं, बस इसी निशान को आपने कटिंग करनी है। तो चलो दोस्तों, अब करते हैं पत्थर की कटिंग। दोस्तों, अब हमारी पत्थर की कटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों, इसे पक्की करके देखते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे बैठती है। तो उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मसाले को लेवल में फैलाना होगा। दोस्तों, आप दीवार पे लेवल का निशान लगा के
और आप उसके सहायता से बिल्कुल सही तरीके से लेवल पे मसाला फैलाएं और उसके बाद पत्थर को लगाएं। क्योंकि दोस्तों यदि आप लेवल पे मसाला नहीं फैलाओगे तो आपका पत्थर में ढाल बन सकता है या गहरा हो सकता है या कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो आपकी जो ऊपर की टाइल लगेगी वो भी सही तरीके से नहीं लग पाएगी। तो आपने विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा जो इसका स्लेब डाला जाता है ये किस तरह से डाला जाता है और जो सिंक की जगह कैसे छोड़ी जाती है, इस पर मैं वीडियो जल्द बनाऊंगा, तो आप एक बार उसे भी देख लेना जो स्लेब होता है उसको किस तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों चलो अब इसको मसाला बिल्कुल सही तरीके से फैलाते हैं। दोस्तों अब मसाला फैलाने का काम हमारा पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर पत्थर रखेंगे। दोस्तों हमने पत्थर रख लिया है, फिलहाल अभी इसे पक्का नहीं किया है। अब इसके अंदर सिंक डाल के चेक करते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने का तो नहीं है। तो दोस्तों अब इसके अंदर सिंक डालते हैं। दोस्तों हमारी सिंक बिल्कुल सही तरीके से बैठ चुकी है। अब इसको हम पक्के कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं कैसी लग रही है। दोस्तों अब हमारी सिंक को कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको दिखाते हैं। दोस्तों सिंक बिल्कुल सही तरीके से परफेक्ट लगी है। और दोस्तों जो आप सोच रहे होंगे कि साइड की जो पट्टी होती है छोटी सी वो कहाँ गई, दोस्तों वो टाइल के नीचे है, वो हमने बाद में लगाई थी। तो अब हमारा स्लेब पूरा हो चुका है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में बारीक से बारीक नॉलेज देने वाली वीडियो होती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।